दोस्तों स्वागत है आपका जी एस फॉर ऑल में। दोस्तों को जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आने वाली हैं परीक्षाएं। और अभी उसके बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं एडमिट कार्ड वगैरह, तो मैं बता चुका हूँ 20 तारीख के बाद अपने कॉलेज में जो रेगुलर स्टूडेंट है वो संपर्क कर लें। 20 तारीख के बाद एडमिट कार्ड कॉलेज में पहुँचना शुरू हो जाएंगे। आप 20 तारीख के बाद 20 से 28 के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड ले लें, आपके कॉलेज में पहुँच जाएंगे। दोस्तों यूनिवर्सिटी ने जैसे कि साइट पर भी जो एक सूचना अपलोड करी है उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यूनिवर्सिटी इस बार कड़ी कार्रवाई करेगी। एग्ज़ाम भी आपके काफ़ी टाइट रहेंगे, एग्ज़ाम में कोई कोताही नहीं बरतेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जैसे कि यूनिवर्सिटी सूचना दे रही है उस हिसाब से आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप कोई गलत तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और इस बार मामला बहुत टाइट रहने वाला है, तो आप सीधा सीधा परीक्षा फोकस करिए और अपना एडमिट कार्ड आप कॉलेज से 20 तारीख के बाद लेना शुरू कर दें। 20 तारीख के बाद कॉलेज के संपर्क में आ जाएं। और प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं वो अपना साइट से, उनकी 20 तारीख के बाद सूचना आ जाएगी क्योंकि 18 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद वो अपना साइट से अपलोड कर लें, साइट से डाउनलोड कर लें, सॉरी अपलोड नहीं, डाउनलोड कर लें साइट से, और वो लोग वहाँ से ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको फटाफट दे दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हर एक जानकारी ये चैनल आपको उपलब्ध कराता रहता है। जैसे कि दोस्तों सूचना बता दूं, सूचना में ये लिखा हुआ है 2018 से पूर्व वर्षों की खाली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्याओं का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो दोस्तों इसे आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि सूचना आपके सामने है, तो ये यूनिवर्सिटी समस्त जो संबद्ध महाविद्यालय हैं और नोडल केंद्र हैं उनसे कह रही है कि कृपया, इसमें लिखा है विषय वर्ष 2018 से पूर्व खाली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या ब्लैंक, जो उनके संबंध में बात कर रही है यूनिवर्सिटी, इसमें लिखा है कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय नोडल केंद्र पर विगत वर्षों में 2018 से पूर्व की खाली उत्तर पुस्तिकाएँ क्रमशः 40 पेज व 36 पेज परीक्षाओं के संचालित कराए जाने हेतु प्रेषित की गई थी। ऐसी वर्ष 2018 से पूर्व वर्षों की लगभग कितनी संख्या में खाली उत्तर पुस्तिकाएं महाविद्यालय नोडल केंद्रों पर संरचित हैं, साथ ही सूच्य है कि विगत वर्षों में अनुपयुक्त प्रश्न पत्र खुले हुए हैं लगभग कितनी संख्या में रद्दी के तौर पर बंडल रखे हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त रद्दी के रूप में महाविद्यालय नोडल केंद्र पर संरचित सामग्री को विवरण पत्रवाहक के माध्यम से 2 दिन के अंदर अधोहस्तारी को विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दोस्तों ये सूचना है, सूचना का मतलब ये है कि जो चांसलर महोदय हैं वो यूनिवर्सिटी को काफ़ी सुधारने के प्रयास कर रहे हैं और हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखा जा रहा है, और यूनिवर्सिटी के जो भी काम है उनमें कार्रवाई करी जा रही है, जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से किया जाए और पूरा हिसाब किताब लिया जाए, कैसे कहाँ कितना पेपर रखा है, कितना रद्दी में रखा है, सब पूरा हिसाब रहे, कोई लापरवाही ना रहे। तो दोस्तों ये एक सूचना आपके लिए डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी सारा हिसाब किताब ओपन कर रही है, साइट पे भी अपलोड कर रही है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी अपने पुराने रिकॉर्ड को कोई ख़राब नहीं रखना चाहती है, वो पूरे सुधरने के प्रयासरत है। इस वजह से आप अपनी पुरानी मनोदशा को ख़त्म कर नई मनोदशा में आ जाएं, और इस बार आपके एग्ज़ाम आप अच्छे से दें, अच्छे से मेहनत करें, एग्ज़ाम आपके काफ़ी टफ होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी वाला बटन है बेल आइकन जिसको बोलते हैं उसको जरूर दबा दें, क्योंकि जिससे कोई भी नई वीडियो या नई जानकारी जैसे ही अपलोड करी जाएगी तो आपको उसको फटाफट आपका मैसेज मिल जाएगा, जिससे आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी पाने में पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।